तो फ्रेंड्स, मैं आज बना रहा हूँ खीरे ग्रेवी वाली सब्जी बना रहा हूँ। आज तो टोटली डिफरेंट स्टाइल पे बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी भी बनाएंगे। तो देख लीजिए मैं किस तरह बनाता हूँ। इसमें 700 ग्राम जैसे खीरे लिया है, मैं खीरे को कट कर लेंगे। देख लीजिए, टोटली डिफरेंट स्टाइल पे बनाएंगे लेकिन बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाएंगे। मैं पहले खीरे को कट कर लेता हूँ। बहुत ही टेस्टी खीरे का सब्जी बनाएंगे। इस तरह करके सभी खीरे को मैं कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए मैंने खीरे को कट कर लिया, छोटा छोटा करके कट कर लिया। अभी देख लीजिए मैं किस तरह बनाता हूँ। टोटली डिफरेंट स्टाइल पे बनाएंगे लेकिन टेस्टी भी 100% टेस्टी होना ही होना। देख लीजिए मैं किस तरह बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी कढ़ाई पर बनाएंगे सब्जी। तो तेल कर देता हूँ, इसी तेल पर थोड़ा जीरा ऐड कर देंगे, 3-4 सूखा मिर्च ऐड कर देंगे, थोड़ा लहसुन ऐड कर देंगे, थोड़ा सरसों दाने ऐड कर देंगे, प्याज भी ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, थोड़ा ही ऐड करेंगे। अभी मैं 2 टमाटो कट करके लिए ऐड कर देंगे, ये टमाटो ऐड कर देता हूँ। अभी मैं ज़रूरत के हिसाब से नमक भी ऐड कर देता हूँ, ज़रूरत के हिसाब से मैं नमक ऐड कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट में फ्राई कर लिया। अभी मैं मसाला ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा सब्जी मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 स्पून चिल्ली पाउडर ऐड कर देंगे। अभी मैं मिक्स करेंगे अच्छे से। अभी इसमें ऐड कर देंगे, मैं खीरे को ऐड कर देंगे, ये खीरे को ऐड कर देता हूँ। अभी अच्छा से मिक्स करेंगे मैं। अभी इसे में 5 मिनट्स फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं 5 मिनट्स फ्राई कर लिया। अभी मैं थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, अभी मैं थोड़ा पानी ऐड कर देता हूँ।
अभी मैं 10 मिनट कवर करके मैं पकाएंगे, 10 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो गया, अभी लास्ट में ऐड कर देता हूँ, थोड़ा धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, थोड़ा धनिया पत्ता ऐड कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त टेस्टी से बना। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, मैंने एक बोल पे ले लिया, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी से बना। किस तरह बना के देख लीजिए, खीरे का सब्जी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह बना के चावल का साथ खाए, रोटी का साथ खाए, परोठा का साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा सब्जी बनता है, खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स वही था आज का मेरा स्पेशल वीडियो, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।